जनपद के 14 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित थी। परीक्षा एजेंसी की लापरवाही की वजह से सभी परीक्षा केंद्र जिले के मुख्यालय से काफी दूर बनाए गए थे, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में पहुंचने में देरी हुई और समय अनुसार परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुँच सके, जिसके कारण प्रश्न पत्रों का वितरण देर में किया गया, जिसको लेकर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने विकास खंड बटट स्थित गुलाबी देवी इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा किया और तय समय से 20 मिनट बाद पत्र वितरित करने पर अभ्यर्थी नाराज हो गए और पर्चा लीक होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गुलहरिया थाना प्रभारी रवि राय ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं हुए। मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर डीएम के विजेंद्र पांडियन और एसएसपी जोगेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित भी मौके पर पहुंच गए और अभ्यर्थियों से वार्ता की, लेकिन वे पेपर लीक की बात कर परीक्षा निरस्त की मांग करने लगे, जिस पर जिलाधिकारी ने विधान परिषद के प्रमुख सचिव से फोन पर बात कर पूरी जानकारी दी, जिसके बाद संबंधित परीक्षा केंद्र समेत जिले के सभी 14 केंद्रों पर परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब परीक्षा को नए तिथि और समय के अनुसार दोबारा कराया जाएगा, जिसके संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा। जी सर, हम क्लास में बैठे हुए सर, ये फील्ड भरी हुई दिखाई 300 लोग थे। और मैं कुछ हो ही नहीं, और 45 मिनट तक सर मोबाइल ले जा रहा है, क्या सामान ले जा रहा है, ये भी नहीं देख पाए लोग, ये अपने आप बैठ गए। चलिए 8:30 जब आएंगे तो पेपर होगा क्या? 8:30 तो चल गया था, बाकी जगह क्या बाकी नहीं। यहाँ तो गुलाबा देवी इंटर कॉलेज है, यहाँ जो विधान परिषद माध्यम से कोई अधीनस्थ सेवा के लिए परीक्षा आज प्रस्तावित था, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक का पहला पाली था। यहाँ गोरखपुर में 14 सेंटर था, इसी पे जो सेंटर है बहुत दूर होने के नाते से ये जो एजेंसी है कोई प्राइवेट का एजेंसी है, दिल्ली का एजेंसी कोई परीक्षा कर रही है, उन्हीं ने काफ़ी देर किया है जी। बच्चे का डिमांड था ताकि इनको दोबारा एग्ज़ाम हो जाए जी, उन्होंने शासन से बात किया, इसका प्रभारी प्रमुख सचिव साहब से बात की, इन्हें ये बात से सहमति जताया था कि गलती तो ये इन्हीं का है, एजेंसी का है जी, उसी का स्वीकार कराते हुए फिर उन लोग भी बताए थे दोबारा ये बच्चे के लिए परीक्षा दी जाएगी, उनका तिथि और समय बताया जाएगा। तो कितने लोग इसी सेंटर में कितने लोग परीक्षा दिए वो कैंसिल होगी, ताकि अलग अलग सेट का कुछ पेपर है, इसलिए तो इससे कोई वो नहीं होता। करीब 460 बच्चे यहाँ इनरोल्ड है इसी सेंटर के लिए, करीब 270 बच्चे कोई उपस्थिति दर्ज हुआ था उसमें, सभी बच्चे का दोबारा री एग्ज़ाम होगा, उसी मेरिट के आधार पर होगा।